हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्सिडी स्क्वाड। आज का वीडियो रिप्स के सीरीज में तीसरा वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम सर्विस सेक्टर में जो थ्रस्ट सेक्टर में 11 एंटरप्राइज डिफाइन किए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम कौन सा सेक्टर इन्वॉल्व किया गया है, उसकी क्या कंडीशन है, और अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो उस सेक्टर को एडिशनल बेनिफिट क्या मिलेगा, वो सारा डिस्कस करेंगे। अगर आपका सेक्टर इन 11 सेक्टर्स में कवर होता है और जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो पूरी होती है, तो ये सारे बेनिफिट्स जो फर्स्ट वीडियो में बेसिक बेनिफिट्स बताए गए हैं उसके अलावा एडिशनल होंगे। इन केस आपका सेक्टर इन 11 सेक्टर्स में नहीं आता है, या अगर इन 11 सेक्टर्स में आता है लेकिन जो कंडीशंस दी गई है वो पूरी नहीं होती है, तो ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो फर्स्ट वीडियो के बेसिक बेनिफिट्स है वो तो तब भी मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्टर आता है फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कोल्ड चेन का। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ या इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो जो प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया है उसका 25% कैपिटल सब्सिडी के रूप में एडिशनल मिलेगा। इस कैपिटल सब्सिडी की मैक्सिमम लिमिट 25 लाख रुपए रहेगी। अगला सेक्टर है कॉमन यूटिलिटी सेंटर। इसके लिए कंडीशन ये है कि ये 5000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा एरिया की बिल्डिंग में कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ या इससे ज़्यादा का होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका 20% और मैक्सिमम 50 लाख रुपए कैपिटल सब्सिडी के रूप में एडिशनल मिल सकते हैं। अगला सेक्टर है इंडस्ट्रियल पार्क। इसके लिए कंडीशन ये है कि ये मिनिमम 25 एकड़ की ज़मीन पे बनना चाहिए और इसमें 25 करोड़ या इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसकी कैपेसिटी मिनिमम 10 एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करने की होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस पूरी होती है तो इंडस्ट्रियल पार्क को ऑप्शन रहेगा कि वो कैपिटल सब्सिडी या इंटरेस्ट सब्सिडी दोनों में से एक एडिशनली चूज कर सकता है। अगर वो कैपिटल सब्सिडी चूज करते हैं तो इंडस्ट्रियल पार्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसका 20% और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए कैपिटल सब्सिडी के तौर पर मिल सकता है। अगर वो इंटरेस्ट सब्सिडी चूज करते हैं तो जो इंडस्ट्रियल पार्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए टर्म लोन लिया है उसके ऊपर 5% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में मिल सकता है, जिसकी लिमिट हर साल की 50 लाख रुपए रहेगी। अगला सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वैल्यू एडिशन और प्रिजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। इसके लिए एक्टिविटीज मेंशन की गई है जो आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, उन एक्टिविटीज में 1 करोड़ या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करने पर 2 एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है, जिसमें पहला है कि जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है उस पर 25% कैपिटल सब्सिडी, जिसकी मैक्सिमम लिमिट ₹25 लाख रहेंगे, और दूसरा है 2 मैक्सिमम मूवेबल रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स पे किए गए इन्वेस्टमेंट पे 25% की कैपिटल सब्सिडी, जिसकी भी मैक्सिमम लिमिट 25 लाख रुपए रहेगी। नेक्स्ट कैटेगरी है IT पार्क की। इसके लिए 2 कैटेगरी है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ या उससे ज़्यादा का है तो फिर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी जो कि 5% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स मिलेगी उस लोन के लिए जो IT पार्क में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लिया गया है। इसकी मैक्सिमम लिमिट हर साल की 75 लाख रुपए रहेगी। इसमें सेकेंड कैटेगरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ या उससे ज़्यादा का है और अगर वर्टिकल IT पार्क है 1.5 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा का एरिया है और अगर हॉरिजॉन्टल IT पार्क है तो 25 एकड़ से ज़्यादा लैंड है। अगर ये कंडीशंस पूरी होती है तो उस केस में आपको 5% इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर 5 ईयर्स मिलेगी फॉर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी मैक्सिमम लिमिट हर साल की 1.5 करोड़ रुपए रहेगी। अगला सेक्टर है IT सेक्टर। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ या इससे ज़्यादा का होने पर एडिशनल इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी जो कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो टर्म लोन लिया है उसके ऊपर 5% की रेट से मिलेगी और हर साल मैक्सिमम 25 लाख रुपए मिलेंगे। अगला सेक्टर है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर 3 कैटेगरी दी गई है, जिसमें पहली कैटेगरी है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की। इसके लिए इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ या इससे ज्यादा का होने पर एंटरप्राइज को कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी में से एक चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर इंटरेस्ट सब्सिडी चूज करते हैं तो जो इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टर्म लोन लिया है उसके ऊपर 5% की रेट से फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ हर साल रहेगी। अगर कैपिटल सब्सिडी चूज करते हैं तो जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उसका 20%
20% कैपिटल सब्सिडी में मिलेगा, जिसमें मैक्सिमम लिमिट 4 करोड़ रुपए रहेगी। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सेकंड कैटेगरी है लॉजिस्टिक पार्क की। इसके लिए इन्वेस्टमेंट 30 करोड़ या इससे ज्यादा का होने पर अगेन कैपिटल सब्सिडी या इंटरेस्ट सब्सिडी चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर एंटरप्राइज इंटरेस्ट सब्सिडी चूज करता है तो जो इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टर्म लोन लिया है उसके ऊपर 5% की रेट से नेक्स्ट 5 ईयर्स तक इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, जो कि मैक्सिमम हर साल की 50 लाख रुपए रहेगी। अगर एंटरप्राइज कैपिटल सब्सिडी चूज करता है तो जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में इन्वेस्टमेंट किया है उसका 20% मैक्सिमम ₹2.50 करोड़ कैपिटल सब्सिडी के रूप में मिलेंगे। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तीसरी और आखिरी कैटेगरी है वेयर हाउस की। वेयर हाउस में 2 करोड़ या इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी मिनिमम 3,000 मेट्रिक टन होनी चाहिए और जो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाया हुआ होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस पूरी होती है तो एंटरप्राइज को कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। कैपिटल सब्सिडी जो इक्विपमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उसका 20% मिलेगा और मैक्सिमम लिमिट अगर वेयर हाउस की लैंड 2 एकड़ तक है तो 2 लाख रुपये, अगर लैंड 2 एकड़ से ज़्यादा है तो 5 लाख रुपये रहेगी। नेक्स्ट कैटेगरी है प्लग एंड प्ले ऑफिस की। इसके लिए इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ या उससे ज्यादा होने पर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो टर्म लोन लिया है उसके ऊपर 5% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स मिलेगी। इसमें हर साल की लिमिट 25 लाख रुपए रहेगी। अगली कैटेगरी है स्टार्टअप की। इसके अंदर 25 लाख या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने पर जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी थी SGST के ऊपर उसमें एडिशनल 25% और बेनिफिट मिलेगा अगले 7 सालों के लिए। अगली कैटेगरी है टेस्टिंग लेबोरेटरी की। इसमें 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होने पर कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, जो कि प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर 25% रहेगी। कैपिटल सब्सिडी की मैक्सिमम लिमिट 50 लाख रुपए रहेगी। सर्विस एंटरप्राइज में थ्रस्ट सेक्टर की लास्ट कैटेगरी है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें पहली कैटेगरी है अर्बन एरिया या रिको इंडस्ट्रियल एरिया में पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने की। इसके लिए फ्लोर स्पेस एरिया 5000 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा का होने पर कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, जो कि इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20% रहेगी और मैक्सिमम 5 लाख रुपए रहेंगे। सेकेंड कैटेगरी है रिको इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले वर्कर्स के लिए डोरमेट्री, जिसकी मिनिमम कैपेसिटी 100 लोग होने चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, जो डोरमेट्री में किए गए इन्वेस्टमेंट का 20% और मैक्सिमम 25 लाख रुपए रहेगी। थर्ड कैटेगरी है रिको इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल हाउसिंग की, जिसकी मिनिमम कैपेसिटी 50 फैमिलीज होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो 20% की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, जिसका मैक्सिमम लिमिट 25 लाख रुपए रहेगा। फोर्थ कैटेगरी है रिको इंडस्ट्रियल एरिया में पहला 75 बेड्स वाला हॉस्पिटल। इसके लिए जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका 20% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 50 लाख रुपए रहेगी। फिफ्थ कैटेगरी है रिको इंडस्ट्रियल एरिया में फर्स्ट क्रेच, जिसकी कैपेसिटी मिनिमम 50 बच्चे होना चाहिए और जो 5000 स्क्वायर फीट एरिया में होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, जो कि क्रेच डेवलप करने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर गया है उसके ऊपर 20% और मैक्सिमम 5 लाख रुपए रहेगी। इसी के साथ राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम का तीसरा वीडियो भी खत्म होता है। पहले वीडियो में हमने बेसिक बेनिफिट्स और एलिजिबिलिटी कवर किया था, दूसरे वीडियो में जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज थ्रस्ट सेक्टर में है वो कवर किया, और इस वीडियो में जो थ्रस्ट सेक्टर के अंदर सर्विस एंटरप्राइज है वो कवर किया। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।